assalamu alaikum first year this is aisha here today we will discuss the exercise questions of play number three the oyster and the pearl question number one is where does the play takes place so the place the play takes place in harry's shop in okay by the sea california population nine zero nine Question number two is why is Harry sitting in, in barber's shop? Harry is having his hair cut. Therefore he is sitting in the barber's shop. Question number three According to Harry, how one can bring merriment to the tired old human hearts? Merriment means happiness hushi. In San Kese duki. इंसानों के दुखी दिलों के वाले इंसानों के लिए खुशी का बायस बन सकता है ही थिंक्स दैट वन कैन ब्रिंग मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड हार्ट बाय कंपोजिंग अ सिम्फनी एक धुन बनाने से पेंटिंग अ पिक्चर एक तस्वीर बनाने से राइटिंग अ बुक या एक किताब लिखे और लास्ट इज़ uh, और इन्वेंटिंग आ फिलोसफ़ी या एक फ़लसफ़ा जात करे तो इंसान दुखी इंसानियत के दुखी इंसानी दिलों के लिए ख़ुशी का बायस उस सूरत में बन सकता है जब वो या तो कोई धुन तश्कील करें या एक किताब लिखे या कोई तस्वीर बनाए या फिर एक फ़लसफ़ा जात करे वट इज़ हैरीज़ फिलासफ़ी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Uh, uh, according to Board's point of view, his philosophy is take it easy way. We have already discussed this philosophy in our summary. How much did Harry pay for his barber's shop? How long has Harry been in OK by the Sea? He bought the shop in $75. He has been लिविंग इन ओके बाय द सी फॉर ट्वेंटी फोर यर्स तो उसने ये दुकान पिचत्तर डॉलर में खरीदी थी और उसे ओके बाय द सी में रहते हुए ट्वेंटी फोर ईयर्स यानी कि चौबीस साल हो चुके हैं हाउ मेनी बारबर्स आर देयर इन ओके बाय द सी एक्सेप्ट हैरी देयर इज नो अदर बार्बर इन ओके बाय द सी तो हैरी के अलावा कोई और बारबर कोई और हजाम ओके बाय द सी में मौजूद नहीं है मतलब हैरी इज़ द ओनली बारबर इन ओके बाय द सी हाउ मच डज़ हैरी चार्ज फॉर द हेयर कट हैरी चार्जेस वन डॉलर फॉर द हेयर कट बट ही ऑफन टेक्स हाफ और अ क्वार्टर हैरी अपने हेयर कट के लिए एक शख्स के बाल काटने के लिए कितने पैसे लेता है तो वो एक डॉलर लेता है लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है लोगों से हाफ भी या क्वार्टर डॉलर भी मतलब आधा या एक चौथाई हिस्सा डॉलर का भी लोगों से कबूल कर लेता है क्योंकि जिस इलाके में इसकी दुकान है वहाँ पे सब लोग ही तकरीबन गरीब हैं वेयर इज़ क्ले गोइंग क्ले इज़ गोइंग टू द बीच टू फाइंड समथिंग स्पेशल अब क्ले जब हैरी से बातें कर रहा होता है इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले व्हेन ही इज गोइंग टू लीव ही टेल्स हैरी दैट ही इज गोइंग टू बीच वो बीच के लिए जाता है वो साहिल पे जाता है और वहां पे उस वो तलाश करने के लिए गया है कोई बहुत ही खास चीज वाई डज क्ले नीड मनी दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही नीड्स मनी टू ब्रिंग हिज फादर बैक ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव अ गिफ्ट टू हिज मदर सो क्ले को पैसे चाहिए ताकि वो अपने वालिद को वापस ले आए और दूसरा ये कि वो अपनी माँ के लिए कोई तोहफा खरीदे बेसिकली ही वॉन्ट्स हिज फैमिली टू गेट यूनाइटेड एंड लिव हैप्पीली नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट हैज हैपन्ड टू क्लेज फादर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम क्लेज फादर इज अ पुअर मैन एंड ही कैन नॉट फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज चिल्ड्रन his wife always quarrels with him, for this for this reason therefore he has to he has left the house and has gone to Salinas to earn money. to तो क्ले के जो वाल हैं वो एक गरीब शख्स हैं और वो अपनी जिंदगी की अपनी फैमिली की बुनियादी ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से उनकी जो वाइफ हैं वो उनकी जो बेगम है वो हमेशा उनसे लड़ती रहती है क्वारल लड़ना झगड़ा करना और इवेंचुअली और वो क्या करते हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं और सेलिनास जाकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं वट हैज़ क्ले पुट इन द लोकल पेपर इन हिज एड क्ले रिक्वेस्ट हिज फादर टू रिटर्न होम हिज फैमिली इज मिसिंग हिम अलॉट अब जो पेपर होता है जो न्यूज पेपर है उस एरिया का उसमें क्ले एड देता है और उस एड में वो ये लिखवाता है के ही वॉन्ट्स हिज फादर टू कम बैक वो चाहता है कि उसके वालि वापस आ जाए क्योंकि वो सब लोग उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं बहुत ज़्यादा याद करते हैं हु इज़ मिस मेकाचून हाउ डज शी फेल फेल्ट अबाउट हर जॉब शी इज़ अ न्यू टीचर एट द स्कूल ऑफ ओके बाय द सी शी इज़ अनहैप्पी अबाउट हर जॉब बिकॉज द चिल्ड्रेन डो नाट टेक हर सीरियसली तो वो ओ के बाद दसी में मौजूद स्कूल की एक नई टीचर हैं और वो अपनी जॉब से नाखुश क्यों हैं क्योंकि जो ओके बाद दसी के बच्चे हैं वो उनको सीरियसली नहीं लेते संजीदगी से नहीं लेते वट इज़ मिस मेकाचून लुकिंग फॉर हाउ डज़ ही फील अबाउट द चिल्ड्रेन ऑफ द टाउन she is looking for the children to examine their interest and in to examine their interest and their habits. she does not feel good about the children of the town because they are careless and do not take her seriously. तो जब वो हैरी की शॉप में आती है तो हैरी को ये बताती है कि she is looking for the children. वो बाहर अपने घर से इसलिए निकली है ताकि वो बच्चों को देख सके, उनके इंटरेस्ट उनकी दिलचस्पियों को जान सके क्योंकि वो उन बच वो जो बच्चे हैं वो बहुत केयरलेस हैं लापरवाह हैं और वो उसे संजीदगी से नहीं लेते तो वो बाहर इसलिए निकली है ताकि बच्चों को करीब से जान सके और समझ सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट डज़ हैरी एडवाइस हर टू डू It is also another important question. He advises her to go back to San Francisco. He thinks that she is a young and pretty girl who needs excitement. He also asks her to marry a young man. वो क्या नसीहत करता है मिस व, विवैन मेकाचून को कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए टू सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को वो सिटी है जहाँ से मिस विवैन मेकाचून आई हैं ओके बाय द सी में और वो क्या वो सोचता ये है कि वो बहुत ही जवान और ख़ूबसूरत हैं तो उनको जिंदगी में और कोई एक्साइटमेंट uh, की जोश और जज्बे की वलवले की कोई चीज़ काम करना चाहिए और वो ये भी चाहता है कि वो जो है जल्दी से एक यंग आदमी से एक नौजवान शख्स से शादी कर ले व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डस मिस मेकचून वॉन्ट शी वॉन्ट्स पूडल हेयर कट वो पूडल हेयर कट पूडल स्टाइल का जो है वो बाल कटवाना चाहती है कैन हैरी गिव अ पूडल हेयर कट नो ही कैन नॉट गिव अ पूडल हेयर कट What does Miss Makkaatoun think that a poodle haircut will do for her appearance? She wants to change her appearance by poodle haircut. She thinks that... <coughs> sorry, she thinks that this haircut will make her simple and plain, then she will uh, she will easily adjust herself to the surroundings. वो इस पोडल हेयर कट के ज़रिए अपनी अपेयरेंस अपनी जो जाहरी हालत है उसको तब्दील करना चाहती हैं और वो सोचती हैं कि शायद ये पोडल हेयर कट जब हो जाएगा तो वो ज़्यादा सादा और आम सी दिखाई देने लगेंगी और जिसकी वजह से वो अपनी सराउंडिंग्स में अपने इर्द गिर्द के इलाके में ज़्यादा जल्दी अच्छे से एडजस्ट कर जाएंगी वेयर हैज़ क्लार क्लारा बी बीन

तो वो हैरी को तीस डॉलर देते हैं ताकि वो क्ले को दे दें और क्ले वो पैसे अपनी वालदा को दे दें हाउ फार इज इट टू हॉलीवुड फ्रॉम ओके बाय द सी हॉलीवुड इज अबाउट टू हंड्रेड माइल्स अवे फ्रॉम ओके बाय द सी वट वर्क डज द मैन डू ही इज अ राइटर यू कैन सी दैट द वर्ड मैन इज यूज फॉर द राइटर देयर इज नो नेम मैंशन Uh, of the writer in the play what did clay find near black rock it is also an important question it is also an important question he found an oyster near the black rock black rock ke piece unko, uh, ke clay ko ek seep milta hai. what does clay believe in the oyster how much is it worth clay believes that there is a pearl in the oyster वर्थ ऑफ टू टू थ्री हंड्रेड डॉलर क्ले का क्या ख्याल है क्ले को यकीन है बिलीव है यकीन है के उस सीप के अंदर एक मोती होगा और जिसकी कीमत तक दो सौ से तीन सौ डॉलर होगी डिस इज अग पर्ल्ड इन दू शी डिलीव डेट देयर इज अग पर्ल्ड इन देशन नंबर ट्वेंटी why does miss मैकाचून have a chair with three legs like many other people she has brought this chair from the beach she does not mean to use it तो जब हैरी उनसे पूछता है कि आप तीन टांगों वाली कुर्सी क्यों ले आई हैं तो वो उनको सिर्फ यही रीज़न देती हैं कि मैं ये कुर्सी इसलिए उठा लाई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तफ चीज़ें समंदर से कुछ ना कुछ ला रहे होते हैं तो मैं इसको ले आई हूँ उनका ये ख्याल नहीं है कि वो इसको, इसको इस्तेमाल करेंगी बस जस्ट कि वो समंदर से कोई ना कोई चीज़ उठानी थी तो वो तीन टांगों वाली कुर्सी उठा लाती हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इज वाट काइंड ऑफ जज इज जज एप्पल गार्थ ही इज ही इज नॉट जज ऑफ एनी कोर्ट वंस ही जज द डॉग एट द काउंटी फेयर दैट गेव हिम द नेम ऑफ जज एप्पल गार्थ तो वो किसी कोर्ट में किसी अदालत में जज नहीं है बल्कि एक दफ़ा कोई इलाके का जो मेला था उसमें उन्होंने कुत्तों की जजमेंट की थी कुत्तों के बारे में फैसला किया था उनकी नस्ल के बारे में शायद या कोई ऐसा फैसला जो कुत्तों की कोई रेस हुई थी या जो भी था वो उन्होंने मेंशन नहीं किया उस एक जजमेंट की वजह से उनके नाम के साथ जो है वो जज लगा दिया गया है वट ईयर इज़ इट

Who suggests that they should open the oyster? Miss ओपन suggests that they should open the oyster. क्योंकि मिस मेकाचून को यकीन था कि इस ऑयस्चर में कोई पर्ल नहीं है तो वही ये सजेशन देती है कि हम इसको खोल के देख लेते हैं कि क्या पर्ल मौजूद है या नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why do they they want Wuzak to come? It is is also an important question. Is a watch repairer, therefore they think that he can open the oyster without damaging its pearl. जो है और वो समझते हैं कि वो अपने औजारों से इस तरह से खोलेगा कि उसके अंदर जो पर्ल मोती मौजूद है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन how does harry describe the inhabitants of ok by the sea this is also an important question harry says that uh, poor families live in the town every family has garden and children they do not have jobs and earn their living mostly by selling vegetables and eggs those who get the job can work only 2 months The, a few get the pension. So जब वो uh, okay by the सी के लोगों को describe करता है तो वो कहता है कि यहाँ पे सारी की सारी गरीब ख़ानदान रहते हैं जिनके बच्चे भी हैं और अपने बाग भी हैं और वो अब उनके पास ज़्यादातर के पास नौकरियाँ भी नहीं हैं और वो अपना रोज़गार कमाते हैं सिर्फ अंडे और सब्जियाँ बेचकर कर और जो नौकरी भी करते हैं वो भी सिर्फ दो महीने के लिए नौकरी करते हैं और कुछ हैं उनमें से जिनको पेंशन मिलती है जिन्होंने कभी कोई सरकारी नौकरी की होगी तो उनको पेंशन मिलती है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हाउ डज़ मिस मैकाचून व्यू हैरीज थिंकिंग अबाउट द पर्ल्ड इन द ऑइस्टर शी थिंक्स दैट हैरी इज़ एनकरेजिंग पीपल टू टेल अ लाए ही शुड शो द पीपल रियलिटी दैट देयर इज़ नो पर्ल्ड इन द ऑइस्टर वो समझती है कि हैरी लोगों को लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं झूठ बोलने के लिए और उनको लोगों को असलियत बतानी चाहिए कि सीप में कोई भी मोती मौजूद नहीं है वाई डज जज थिंक दैट मिस मैकाचून विल नॉट लास्ट अ टीचर वट टीचर डज ही थिंक दे नीडेड ही थिंक्स दैट शी इज यंग एंड ब्यूटिफुल एंड कैन नॉट कंट्रोल द चिल्ड्रन ही फेवर्स एंड ओल्ड एक्सपीरियंस टीचर टू टीच एंड कंट्रोल द चिल्ड्रन अब जज एप्पल गार्थ ये कहते हैं क्योंकि मिस मैका चून बहुत जवान और ख़ूबसूरत हैं तो वो बच्चों को उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती जिस तरह एक बूढ़ी और एक्सपीरियंस तजर्बाकार टीचर कर सकती है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वट इज़ एप्पल गार्थ कंप्लेन अबाउट द सी ही कम्प्लेन्ट दैट द क्वालिटी ऑफ स्टाफ वाश्ड अप बाय सी इज़ नाट गुड वो ये शिकायत करते हैं समंदर के बारे में कि जो अब समंदर से चीज़ें आती हैं जो समंदर की लहरों के साथ चीज़ें आ जाती हैं वो उनकी अब क्वालिटी जो है वो उनका मैार अब उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि पहले था वट काइंड ऑफ गैजट डज द राइटर डिस्क्राइब He describes the gadget that is found in New York. He says that it is like a safety razor, and with its help, anyone can have his हेयर कट तो वो एक ऐसे औजार की बात करता है जो कि न्यूयॉर्क में एक और शहर है अमेरिका का जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ है जो एक सेफ्टी रेज़र की तरह लगता है और इससे कोई भी शख्स किसी को भी हेयर कट दे सकता है किसी के भी बाल काट सकता है हु बाइज द ऑइस्चर हाउ हाउ मच डज ही पे द राइटर बाइज द ऑइस्चर फॉर थ्री हंड्रेड डॉलर तो राइटर इस ऑइस्चर को खरीदता है तीन सौ डॉलर के वस डज द राइटर ओपन द ऑइस्र वाई नॉट ही डज नॉट ओपन द ऑइचर ही बिलीव दैट द पर्ल इज ग्रोइंग बट इन फैक्ट बट द फैक्ट इज़ दिस डैट ही बाइज द ऑइस्टर ओनली टू हेल्प द पुअर फैमिली ही नोज दैट देयर इज नो पर्ल इन दस्टर बट द होल स्टोरी इज इट्स सेल्फ अ पर तो क्या है कि जो राइटर है वो पर्ल को खोलने सॉरी ऑइस्टर को खोलने नहीं देता क्योंकि वो लोगों को रीज़न ये देता है कि अगर आ, आ, सीप को खोला जाएगा तो शायद इसमें मौजूद जो पर्ल है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी वो अभी ज़िंदा है और उसकी ग्रोथ हो रही है बेसिकली इन रियलिटी वो सिर्फ़ इस गरीब ख़ानदान की मदद करना चाहता है वो जानता है कि पर्ल मौजूद नहीं है बल्कि वो ये जो स्टोरी है एक छोटा सा बच्चा कैसे अपनी ख़ानदान की मदद करने के लिए कोशिशें कर रहा है वो उसे इम्प्रेस इतनी करती है कि वो पर्ल खुद सॉरी सीप खुद ख़रीद लेता है जबकि वो जानता है कि उसमें कोई पर्ल मौजूद नहीं है Why does Clark क्लार्क लारा बी रि आफ्टर रीडिंग द एड इन द न्यूज़ पेपर ही रियलाइज दरीज ऑफ हिज फैमिली एंड डिसन हिज होम जो शुरू में क्ले uh, ने एड दिया था न्यूज़ पेपर में अखबार में जो इश्तहार दिया था वो इश्तहार क्लार्क पढ़ लेता है और उसको यकीन आ जाता है उसको समझ आ जाती है कि उसकी फैमिली उसके बगैर कितनी परेशान है तो वो सोचता है कि वो वापस आ जाए नउ द लास्ट क्वेश्चन इज वट डज द राइटर डू विद दस्चर द राइटर टर्नस इट इन फिंगर्स एंड वॉचिज इट केयरफुली आफ्टर दैट ही पुट्स इट इन टू हिज पॉकेट तो राइटर क्या करता है कि देखता है उस ऑइस्चर को और फिर उसके बाद अपनी उंगलियों में घुमा के बड़े गौर से देखता है और फिर बाद में उसको वो अपनी पॉकेट में रख लेता है अपनी जेब में रख लेता है तो दिज वर ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूडिंग इन योर एक्सरसाइज आई वॉन्ट यू टू लर्न दीज क्वेश्चन बाई हार्ट यू कैन ऑल्सो राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स दैट विल भी मोर इजी फॉर यू टू लर्न इन फ्यूचर सो स्टूडेंट दिस वॉज इट फॉर दिस प्ले इन शी विल मीट विद एन अदर लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज फॉर टूडे